हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में वापस से करने वाले पोकीवर्स। और भाई आज के दिन नया इवेंट आया है जिसका नाम है मेगा रायकुसा। तो भाई टर्नेबल इवेंट आया है और यहाँ पे टर्नेबल में लोग खाली टर्नेबल बोले थे, तो भाई टर्नेबल आया है रायकुसा वाला। और भाई पूरा इवेंट 100% इवेंट पेड इवेंट है। ऐसा भी नहीं है कि गलती से हाँ चलो तुमको मेगा रायकुसा नहीं तो कुछ और फिल्में मिल जाएगा। यहाँ पे देखो ये टिकट $14 की यहाँ पे ये टिकट मिलती है। और यहाँ पे जो टिकट है $15 नॉर्मल होता है, आरडी से होता है, नॉर्मल डायमंड होता है, पर यहाँ पे भाई अलग असली पैसे से सामान करना पड़ेगा। उसके बाद ये तीन जगह पे गोला दिख रहा है ना, ये तीन जगह के गोले पे ही गोला मिल सकता है। और यहाँ पे एक एक गोला, यहाँ पे देख रहे हो तो एक एक गोला इधर पे, तो भाई मतलब बहुत पैसे जाने वाले अगर तुम लोग के यहाँ पे गलती से भी ट्राई। कितने भी अमीर हो मेरे हिसाब से यहाँ पैसा वेस्ट करना तो मतलब बेवकूफ़ी होगी एकदम। और यहाँ पे इसका एक्सचेंज इवेंट देखो, इसके एक्सचेंज इवेंट भी इससे भी बदता है। इसके एक्सचेंज इवेंट में भी सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ से पैसा ले सकते हैं। देखो यहाँ पे रायकुसा है और यहाँ पे देखो लोगों नया ऐड किया, ये अच्छा ऐड किया। यहाँ पे जो प्लेट है, प्लेट्स को अपन परचेस कर सकते हैं, रैंडम प्लेट या फिर नॉर्मल प्लेट, रेड प्लेट, ऑरेंज प्लेट। और ठीक है वो नई चीज़ ऐड की, पर ये क्या भाई, मैं ये ब्लू टिकट और ये पुकी बॉल के लिए असली पैसे खर्च करूँगा, $15 खर्च करूँगा मैं ये सब के लिए? और 100% $15 में तो इतना हाथ में नहीं आने वाला है। $15 की सिर्फ 10 टिकट मिल रही है और वो पूरा खत्म होने के बाद ही तुम लोग को मेन चीज़ मिलने वाला है। तो कब भाई फुर्सत है, मतलब $50 कहीं नहीं गए तुम्हारे, कोई मतलब का नहीं है इवेंट। और भी यहाँ पे इवेंट है, फीस्ट इवेंट आया, फीस्ट इवेंट तो अच्छा इवेंट आया क्या, ये चालू ही था ये इवेंट मेरे हिसाब से बहुत दिन से। और इसका मेरे को ये बहुत बेस्ट लगता है, फीस्ट इवेंट का जो अपना है ये बहुत मस्त रहता है फिश विन का सिस्टम। यहाँ पे उबले अंडे जमा करने का अच्छा है, उबले अंडे जमा करने का, उबले अंडे खाने का, जमा करने का, फिर यहाँ पे ये खाना बनाने के लिए सबमिट कर देने का। ये अपने पूरे लॉबी की भूख मिटाएंगे। यहाँ पे सुशी बन रहा है, यहाँ पे देखते हो मच्छी की पूंछ पूछ दिख रही है। उबले अंडे कहाँ जा रहे, कोने में एक उबला अंडा पड़ा है, सबसे मांग मांग के कोने में उबला अंडा डाल दे रहे लोग। और यहाँ पे रैंकिंग में देख लेते हैं मैं किधर हूँ, इसमें तीसरा नंबर, फिर सब चौथे नंबर, तो मैं चौथे नंबर पर तो बहुत नीचे हूँ, 700 नंबर पर मेरा, तो अपने को अच्छा खासा रैंक अप करना पड़ेगा। वो अपन बाद में करेंगे रैंक अप, पहले अपन बाकी इवेंट्स भी देख लेते हैं इस गेम के अंदर के। तो यहाँ पे वो है रियल टाइम है, वो तो रात में चालू होता है, सुबह चालू होता है। इसका एक्सचेंज आउट, स्पेशल आउट, स्टेमिना, मंथली लॉगिन और ये रिसोर्स में है, इसको अपन कलेक्ट कर लेंगे बाद में। तो भाई वही लोग ने टेनेबल दिया मेगा रायकुसा एकदम 100% पेड इवेंट, कोई काम का नहीं है। फिर काम का इवेंट है वो है अपना ये फीस्ट इवेंट, मस्त इवेंट है। तो यहाँ पे अपन पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ की चीज़ें भी खरीदना है, वो अपन पहले आपके इसके जो क्वेस्ट है वो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद अपन इसकी चीज़ें खरीदेंगे। तो यहाँ पे आने का पास में क्वेस्ट में, फिर यहाँ पे ये सारी क्वेस्ट अपने को कंप्लीट करने का है, तो अपन क्वेस्ट कंप्लीट करना चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेस्ट है अपना कि एक पोकेमोन को कैच करना। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को ये दिख रहा है स्वैम्पर्ट पानी का मेंढक, उसको अपन पकड़ लेते हैं जल्दी से, एक दो बॉल में आ जाएगा। चलो सेकेंड बॉल के अंदर अपन ने स्वैम्पर्ट पकड़ लिया, एक पोकेमोन पकड़ लिया, तो अपना ये फर्स्ट ये कंप्लीट हो चुका है पास के अंदर का। सेकंड देख लेते क्या है, कंज्यूम स्टेमिना। ओके, कंज्यूम स्टेमिना कंज्यूम करने का है, कितना करने का, 100 करने का, और मेरे पास 300 है। और यहाँ पे दो क्लिक पे 100 स्टेमिना हो जाता है, पर मैं पूरा स्टेमिना मेरा यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा। कितना, एक स्टेमिना बचा है, यहाँ पे मैंने पूरा स्टेमिना यूज़ कर दिया। मेरे पास 100 50 वाला वो सुशी पैक भी है, पर उसको अपन यूज़ नहीं करेंगे अभी, क्योंकि 1400 ऐसी मेरे पास फ्री में पड़ा है, तो उसके लिए उसको अपन यूज़ नहीं करेंगे। ये कम्प्लीट हो गया। थर्ड देख लेते क्या है, थर्ड क्या है, ये भी कम्प्लीट कर ली। थर्ड क्या है, पोकेमोन फैक्ट्री। तो फैक्ट्री के अंदर कुछ नहीं करना है, सिर्फ बॉल कलेक्ट करना है। मेरे हिसाब से मैक्स भी हो गया होगा मेरी फैक्ट्री, कितनी फैक्ट्री, मैक्स नहीं है, 60 पे। ओके, और अगर मेरी आवाज़ अलग आ रही है तो थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो इसकी वजह से मेरी आवाज़ अलग आ रही होगी तुम लोग को, तो पता नहीं एक दो वीडियो तक शायद ऐसी आवाज़ रहे मेरी, या फिर सही हो जाए तो सही हो जाएगा। फिर अगला क्या है कि अपने को वर्ल्ड बॉस में बैटल करना है, तो वर्ल्ड बॉस में बैटल नहीं करना है, खाली पोकेमोन उतारना है। और मैं तो यहाँ पे सीधा स्किप कर देता हूँ, कुछ मेहनत नहीं चाहिए मेरे को बिल्कुल भी इस गेम के अंदर, स्किप कर दिया। यहाँ के ये वाले रिवॉर्ड का पहले तो कलेक्ट कर लेंगे अपन, यहाँ पे जितने भी रिवॉर्ड मिल रहे अच्छे खासे। फिर यहाँ से आके इसका भी फिर क्या है, जिम में चैलेंज विक्ट्री रोड। ओके, तो विक्ट्री रोड क्या है, यहाँ पे आने का सिर्फ स्वाइप पे क्लिक करने का, क्विक स्वीप इसका। यहाँ से भी ये वाला भी इवेंट कंप्लीट हो गया अपना, इसको भी कलेक्ट कर लें, कलेक्ट नहीं करेंगे, कलेक्ट लास्ट में करेंगे। अब करना है मेन जिम में दो बैटल, यहाँ पे बाकी जिम में तो बंद है, ऑफ सीजन चालू हुई लोग दोनों जिम, तो ये जिम में जाएंगे अपन, जिसके अंदर भाई मैं टॉप 20 में था, पर सर्वर मर्ज के बाद मैं नीचे आ चुका हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी बुरी हालत, मेरे हिसाब से ये तो मर्ज भी नहीं होता, इसमें किसी और ने लेवल अप कर लिया जोर से और मैं बहुत पीछे चले गया हूँ, तो मेरे को आईडी मिलना बंद हो गया मेरी डेली पर, कोई नहीं। तो यहाँ पे आ गया, अब मेरे को पता नहीं यहाँ पे बैटल पूरी करना पड़ेगा या फिर मैं बैटल में एंटर होकर लेफ्ट कर दूंगा तो ये काउंट होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैं पे स्किप कर देता हूँ, स्किप का ऑप्शन आना, तो स्किप का ऑप्शन तो नहीं आने वाला इतनी जल्दी, मैं क्विट कर देता हूँ, यहाँ पे क्विट ही बोलते ना, हाँ क्विट कर देता हूँ, क्विट कर दिया, बैटल हार गया, चलो ठीक है कोई नहीं। और अगली बैटल, क्योंकि दो बैटल करने का है, दो पे तो किसी भी हाई प्लेयर को ले लूँ ताकि लोग मेरे को जल्दी मार दे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ, सारे पोकेमोन यहाँ से हटा देता हूँ
और जो सबसे मेरा कमजोर पोकेमोन होगा ना म्यूनी, जो एक ही बार में मर जाए 100% रायकुजा, उसको अपन सामने खड़े करेंगे ताकि एक ही अटैक में एक ही राउंड के अंदर ही एक ही बार में काम तमाम हो जाए मेरे पोकेमोन का और अपने दो बैटल का काउंट हो जाए जल्दी से। तो उसका रंग बिरंगा रायकुजा काला वाला अटैक कर दिया, यहाँ पे भी हो गया, तो फुल्ली दो काउंट हो गया, एक लेफ्ट कर दिया था, एक मेरे को जल्दी हार गया, जल्दी हार तो पक्का काउंट होगा, पर जो लेफ्ट कर दिया था उसका पता नहीं, अपन यहाँ पे जाके देख लेते हैं काउंट हुआ है कि नहीं। और ओके तो यहाँ पे ये काउंट हो चुका है, तो यहाँ पे अपन सब अब जल्दी जल्दी कलेक्ट कर लेते हैं वो ब्लेंडर यहाँ से जमा कर लेने का। और यहाँ पे लोग अपने को ये सिल्वर कॉइन भी देते मस्त वाला और ब्लू टिकट भी देते, तो ये समझने के लिए बहुत मस्त चीज़ है। ये सब हो गया, अब यहाँ से ब्लेंडर जमा करना है, यहाँ से कितने 6-7 ब्लेंडर मिलते हैं, तो ये भी अपन यहाँ से कलेक्ट कर लेते, कितने मिले 8 ब्लेंडर यहाँ से मिले और सिल्वर कॉइन भी देखो मस्त मिले। अब यहाँ पे पूरा हो गया वो टॉप अप वाला है, यहाँ पे देखो 16 अंडे जमा है सारे के सारे, सिलेक्ट एंड होल्ड सबमिट कर दिए। अब देख लेते हैं अपन रैंकिंग में कहाँ पहुँचे रैंकिंग में। ओके रैंकिंग में थोड़े से पीछे थे, लास्ट टाइम मैंने कल के दिन पूरा कंप्लीट नहीं किया था, इसकी वजह से पीछे भाग लेकर पूरा कंप्लीट किया था, इसकी वजह से आगे तो टॉप पे तो नहीं आ पाऊंगा मैं मेरे हिसाब से, जब तक कोई सामने वाला जो टॉप पे है वो ये करना ना छोड़े। और ये अपना ये स्वीट जाएंगे अपना ये नया इवेंट, ये भी मस्त है, इसकी बेस्ट चीज़ कि ये फ्री वाला जो सबसे टॉप पे इसको लेने का, 3 समनिंग टिकट पोकेबॉल ये सब मिला है, और भी और पोकेबॉल खरीद लेता हूँ क्योंकि पोकेबॉल काम आते, पोकेबॉल काम आते तो उसको भी अपन खरीद लेंगे। ओके 8 इवेंट रखता हूँ कल के दिन ये एक डॉलर वाला वो खरीदने के लिए। और अभी अपन मेन चीज़ अपने को जो समनिंग के अंदर से चीज़ खरीदना था जो अपने इन फ्यूचर वीडियो से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं अपन, अगर ये पार्ट देखोगे तो यहाँ तक देख रहे हो तो वो है कि यहाँ से ये वाला कॉइन खरीदने का। तो मेरे पास 87 था, मैंने चेक किया था मेरे को 87 था, मतलब 3 और 10 13 यहाँ से मेरे को ये चाहिए 13 टिकट, तो अपने पास ब्लू टिकट 100 हो जाएगी, तो अपन उसकी समनिंग कर सकते हैं मस्त वाली। 13 टिकट खरीद लिया और टिकट नहीं खरीदेंगे, और यहाँ पे अपने पास देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें खरीदने के लिए, पर मैं यहाँ पे अभी भी पोकेबॉल को ही खरीदूंगा, एडवांस बॉल खरीद लेता हूँ क्योंकि वो मेन बॉल है, उसके चांसेस मतलब बोलते ना रेयर है, मास्टर से नीचे वही है, तो अच्छे बॉल वही है। एक ही खरीद लिया, ये कॉइन तो 0 कर दिया मैंने, पर कोई नहीं ये अभी अपन ने खरीद लिया। अब यहाँ पे देख सकते हो 72 ये हो चुका है अपने पास, और ये वाला मेरे तुम लोगों को लगता है मेरा जो लास्ट वीडियो था SPP गेम समनिंग पे 100 लाइक करेगा तो इसका पार्ट 2 आएगा, यहाँ पे 2 दिन बचा है जिसमें खत्म हो जाएगा, 2 दिन से पहले 100 लाइक नहीं हो पाया तो भाई ये वाली समनिंग अपन नहीं करेंगे। 19 समनिंग के अंदर अपने को गारंटीड एक पोकेमॉन मिलना, तो देखते तुम लोग ये 100 लाइक पे पहुँचा पाओगे कि नहीं वीडियो को। फिर यहाँ पे देखो 104 जमा हो चुका है, तो बहुत जल्दी अपन ये वाली समनिंग की भी वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल तो इस वीडियो के लिए इतने, वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।